पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। कांडी क्षेत्र में हुई बारिश से तापमान में भले ही गिरावट आने से लोगों को गर्मी से फौरन निजात मिली है, वहीं तेज आंधी की वजह से पेड़ इस कदर से गिरा है कि चंद्रपुरा फीडर में बिजली आपूर्ति 36 घंटा से बाधित हो गई है। रविवार एवं सोमवार की शाम आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा हुई थी। वर्षा के कारण खेतों में पानी जमा हो गया, जबकि आंधी के कारण चंद्रपुरा फीडर वाले क्षेत्र में जगह जगह पर पेड़ गिर गए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि चंद्रपुरा फीडर पहले की अपेक्षा काफी लंबा हो चुका है। लमारी फीडर बड़ा था, जिसके कारण कई गांवों को काटकर चंद्रपुरा फीडर में जोड़ा गया है, जिसके कारण बिजली आपूर्ति में काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं बिजली विभाग में कार्यरत कर्मियों का कहना है कि कांडी ग्रिड में कुल 2 मेगावाट बिजली मिलती है, जो कि चंद्रपुरा फीडर में बिजली आपूर्ति देने पर 2 मेगावाट की खपत हो जाती है, जिसके कारण चंद्रपुरा फीडर को तकरीबन 20 दिनों से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कर्मियों का कहना है कि अन्य फीडर में बिजली आपूर्ति बहाल करने पर चंद्रपुरा फीडर लोड नहीं ले पाता है, जिसके कारण प्रखंड के सभी फीडरों में बिजली आपूर्ति बहाल करने में काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं भिलमा गांव में पेड़ गिरने से 11000 वोल्ट वाला तार क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले 3 दिनों से दिन में धूप और गर्मी रह रही है और शाम में होते ही आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। बादल के गर्जन और आंधी के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण कांडी क्षेत्र के ग्रामीण बिजली गुल हो जाने से परेशान हैं।